तो दोस्तों गीता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और चावल। और रात का ब्लॉग मैंने शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और ब्लॉग का ना पूरा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग ना ब्लॉग में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं तो ब्लॉग में पूरा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों के बाद में। और जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो शूट किया था और डाला तो पता नहीं क्या हुआ, मुझसे गलती मैंने अपलोड भी कर दिया और फिर मैं उसमें कुछ ऐड वगैरह लगा रही थी तो गलती से मुझसे डिलीट हो गया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो चलिए फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और मैं इसको कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की, क्योंकि आज सुबह से कोई वीडियो नहीं आया था, वही एक डाला था तो वो भी डिलीट हो गया। तो मेरे व्यूवर्स इंतज़ार कर रहे होंगे तो इसलिए सीधी आ रही है ऊपर में, तो आप लोग लास्ट में रहेंगे।
तो चलिए इधर मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और चावल कुकर में बन रहे हैं वो उधर मैंने रख दिए हैं, और इधर मैं टमाटर को काट लेती हूँ। और कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है और उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, तो हरी मिर्च और टमाटर डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, लहसुन वगैरह। तो इधर देखो तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया मैंने एक चुटकी के करीब जीरा, और हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, अब मैं डाल देती हूँ हींग एक चुटकी के करीब। और शाम का समय है, गाड़ियाँ बहुत निकलती हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये देखो मैंने हींग डाल दी है, और हींग भी और मिर्ची सारा एक साथ चटक जाएगा। तो मैं डाल देती हूँ टमाटर, टमाटर डाल के अच्छे से चला देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और आप लोग आलू का आलू टमाटर कैसे बनाते हो तो बताइएगा मुझे। तो डाल देती हूँ पहले नमक, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर गल जाता है अच्छे से। और उसके बाद मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इन मसालों को डाल के चला दूँगी, और हल्दी एकदम लास्ट में डालूँगी। तो देख लेती हूँ टमाटर गला कि नहीं अच्छे से, मतलब मैश कर देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ हल्दी, क्योंकि पहले डाल दूँ ना तो जलते जलते उसका कलर चला जाता है, तो इसलिए बाद में डालो, थोड़ी देर पकाओ फिर उसके बाद में सब्ज़ी डाल दो। तो इधर मैं अच्छे से चला लेती हूँ सब्ज़ी को, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और लाइट भी नहीं था, कैसे कैसे करके मैं बना रही थी खाना। तो चलिए इधर देखिए आप लोग, मतलब मेरा मसाला भुन चुका था, मैंने डाल दिया है उसमें आलू, आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था, और बॉईल करके आलू टमाटर बनाया है मैंने। तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है रेसिपी वो भी देखिएगा आप लोग। तो इधर मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ आलू को, ताकि मसाला पूरे सब्ज़ी में मैश हो जाए और आलू जो ना अच्छे से भुन जाए इसलिए। तो आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा यार, क्योंकि सड़क के किनारे बिल्कुल कमरा है तो वहाँ पे बहुत सारे शोर वोर होते हैं, और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा। तो इधर देखिए मैंने मतलब आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले में, और अब मैं डाल देती हूँ पानी, ग्रेवी के अनुसार मैं डालूंगी पानी, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उसके अनुसार डाल दूंगी पानी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा डालूंगी फिर ज़्यादा पकाना भी पड़ता है ना। तो इधर मैं देखो चला लेती हूँ अच्छे से चला के, और फिर देख लेती हूँ मैं। तो देखो मैंने मतलब अच्छे से सब्जी को पूरा अच्छे से मैश कर दिया था पानी में, और थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ ताकि पकेगा तो लिमिट में रह जाए, जितना मुझे काढ़ा चाहिए उतना रह जाए। तो आज मैंने मैरून कलर का मैक्सी पहना है, और मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया है जो मैंने अपलोड किया, ऐड लगा रही थी तब उसमें पता नहीं क्या हो गया मेरे से, और उसके बाद में मैं उसको येलो डॉलर हो गया था, ग्रीन डॉलर के चक्कर में मैं लगी थी कि ग्रीन हो जाए। और इधर मेरा सब्ज़ी पूरा बन के तैयार है, सब्ज़ी बन गया है, और मैं उसको दूसरे पतीले में कर लेती हूँ और चलती हूँ खाना खाने। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ खाना खाने। तो इधर मैं सब्ज़ी को ले ली हूँ और ले लेती हूँ थाली। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।